Assalamu alaikum, dear student. Welcome you learning management system superior group of colleges. जैसा कि आज आप जानते हैं कि superior group में online classes जो हैं उसका आजरा किया है और आज उस सिलसिले में हमारी पहली क्लास है और आप सुपीरियर ग्रुप की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करेंगे. माय नेम इज मोहम्मद ज़हीर इकबाल, एचओडी बायोलॉजी, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. आज हम इस सिलसिले में पहला लेक्चर जो है पार्ट टू का, बायोलॉजी पार्ट टू, जिसका पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर 15 होमियोस्टेसिस है, उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स इन होमियोस्टेसिस जो है उसको डिस्कस करेंगे कि होमियोस्टेसिस जो है उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. जैसा कि आपको नाम से ही नजर आ रहा है, होमियोस्टेसिस दो वर्ड हैं. होमियो मीन सेम, स्टेसिस स्टेज से निकला है और स्टेज के मानी होते हैं हालत. तो सेम हालत आप देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ में, कि फ्लक्चुएशन होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. दो तरह की एनवायरनमेंट, एक वो एनवायरनमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनली होती है और दूसरी जो कि उसकी सराउंडिंग है, जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं. आप रोजमर्रा देखते हैं जैसे कि जब गर्मी होती है तो बाहर फ्लक्चुएशन यानी कि जो टेम्परेचर की चेंज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एनिमल्स में ये चेंज इतनी ज्यादा नहीं होती. वो नियरली एक नैरो रेंज के अंदर अपने आप को मैनेज करते हैं और यही वजह है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज हैं उन्होंने अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरमेंट जो है उसको मेंटेन किया, ताकि वो वेरियस जो सूटेबल सराउंडिंग्स हैं उनमें सर्वाइव कर सके एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. यही वजह है कि आपको नजर आता है कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं. जो सर्द इलाके हैं वहाँ के एनिमल्स और हैं, वहाँ के प्लांट्स और हैं, जो के गर्म इलाके हैं वहाँ के एनिमल्स और हैं. डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट वराइटीज हैं, ऐसे ही प्लांट्स की वराइटीज वेरी करती हैं. और जो मॉडरेट है, मॉडरेट रीजन है, वहाँ पे स्पीशीज जो हैं या जो वराइटीज हैं वो डिफरेंट काइंड्स की. और ये तमाम की तमाम होमियोस्टेसिस की बेस के ऊपर, जो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज है उसकी बेस के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया है. हम स्टेट डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन. डेफिनेशन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. के हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है, ये उनके अंदर करेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को, यानी कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, बाहर की जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं, जो उनकी सराउंडिंग है, उसकी जो फ्लक्चुएशन है, जो उसमें तब्दीली हो रही है, जो उसमें चेंज हो रही है, उसके हार्म से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. इसको हम होमियोस्टेसिस का नाम देते हैं. जैसे हम बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर कभी 37 होता है और कभी ये बढ़ के 43-44, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर 44 तक पहुंच जाता है. लेकिन हमारी बॉडी इस 44 टेम्परेचर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है, उसको बचाती है. ये जो बचाने का अमल है इसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस. अब होमियोस्टेसिस जो है इसकी वजह से बॉडी जो है वो एक
नैरो रेंज के अंदर फ्लैक्चुएट करती है। ये नहीं है कि जब हम घर में बैठे हैं तो टेम्परेचर 37 है, जब बाहर निकलते हैं तो तब भी 37 रहता है, बल्कि वो 36.5 टू 37.5 इसके दरमियान में, इस रेंज में वो फ्लैक्चुएट करता है, तो इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी कि होम्योस्टेसिस कहता है कीप द इंटरनल फ्लैक्चुएशन इन ए नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम एज कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में वो कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से फ्लैक्चुएट करते हैं, यानी कि वो ससेप्टिबल हैं, उन पे असर ज्यादा होता है। लाइक आपको पता है गर्मियों में वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, फिर हार्मफुल नाइट्रोजन या वेस्ट मटेरियल्स हैं और टेम्परेचर। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट में होते हैं और उनके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है, वो 4 हैं, वाटर, सल्यूट, हार्मफुल नाइट्रोजन या वेस्ट और टेम्परेचर, और इनको नैरो रेंज में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब वो मैकेनिज्म जिसमें हम वाटर और सल्यूट्स को मेंटेन करते हैं इन ए नैरो रेंज, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि एक ऑर्गेनिज्म और उसकी एनवायरनमेंट के दरमियान में रेगुलेट करना है किसको, सल्यूट को और वाटर को, और वाटर को और सल्यूट को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, बाय गेन और लॉस। अगर एक्सेसिव है तो लॉस कर देंगे और अगर कम है तो उसको हम गेन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऐसे ही हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट आर कॉल्ड आर रेफर एज एक्सक्रीशन। ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं, इनकी बॉडी से रिमूवल जो है उसको, या इल्यूमिनेशन को, द मैकेनिज्म विच इल्यूमिनेट नाइट्रोजनियस वेस्ट इज रेफर एज एक्सक्रीशन। तो वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। और अब रह गया लास्ट कंपोनेंट, दैट इज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को टॉलरेट करना बिटवीन ए नैरो रेंज, दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज, के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए नैरो रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो ये मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो होम्योस्टेसिस में सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अब होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस भी ये है, और उसके साथ साथ होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस ये भी है कि होम्योस्टेसिस जो है वो एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें वो अपने आप को कंपेल करते हैं टू अडॉप्ट या अडॉप्टेशंस इन ए कॉन्स्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट, के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ये चेंज आती है, और वो चेंज कैसे आती है कि वो अपने आप को एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एवोल्यूशनरी प्रोसेस से अपने आप को चेंज करते हैं और इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब आप देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है, कि अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वी नो कि एक कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट है बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर भी दो तरह की एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट वो जो सेल के विद इन सेल है, और दूसरी एनवायरनमेंट वो जो सेल के सराउंडिंग में है।
एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट है। दो तरह की एनवायरनमेंट है जिसको आप देखें। ये एक सेल है हमारे पास, ये जो सेल की, ये है सेल की इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और ये है सेल के बाहर जिसको हम एक्स्ट्रा सेलर इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो बॉडी के सराउंडिंग होती है। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी के सराउंडिंग होती है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हम तीन तरह की बात कर रहे हैं, एक इंट्रा सेलर एनवायरनमेंट जो के सेल के अंदर की एनवायरनमेंट है, एक फिर सेल के सराउंडिंग जो के इंट्रा सेलर एनवायरनमेंट से बाहर है, यानी कि उसकी एक्स्ट्रा सेलर इंटरनल एनवायरनमेंट है, और फिर तीसरी जो बॉडी के बाहर जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले बात की कि बॉडी के अंदर जो रेंज होती है वो हमेशा नैरो रेंज रहती है, और नैरो रेंज के अंदर इंट्रा सेलर विद इन सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा, और एक्स्ट्रा सेलर मीन जो के ये वास्कुलर, ये आपको प्लाज्मा नजर आ रहा है, ब्लड वेसल है जो वास्कुलर फ्लूइड है, और फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम इंट्रा सेलर फ्लूइड भी कहते हैं, और ये दोनों एनवायरनमेंट जो है ये एक्स्ट्रा सेलर इंटरनल एनवायरनमेंट के जिम्मे में आती हैं। अब आप देखते हैं कि जो वेरियस सिस्टम्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स हैं जिसमें वाटर और सोल्यूट शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे एसेंशियल मेटाबोलाइट्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रेंज के अंदर सेल के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं विद स्पेसिफिक टू इंटरनल एनवायरनमेंट और फिर विद कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे वाटर अवेलेबिलिटी है, अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी देखें तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएट करती है, अवेलेबिलिटी है इसकी फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन। ऑर्गेनिज्म जो हैं, कभी उनको पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, कभी बहुत कम अवेलेबल होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और ऐसे ही इंटरनल एनवायरनमेंट में भी होता है। और होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा चीज जो है वो एक फिक्स रेंज में रहेगी। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करेगी विद इन द बॉडी। इंटरनल एनवायरनमेंट कभी भी फिक्स नहीं होती, दैट ऑलवेज चेंजिंग, और वो जो चेंज होती है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होती है, एंड दैट इज नोन एज ए स्पेसिफिक और नैरो रेंज वो कहलाती है, उसको हम स्पेसिफिक या नैरो रेंज का नाम देते हैं। अब ये हमारा कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल सिस्टम जो है वो बॉडी को अबंडेंट सप्लाई में फ्लडेड नहीं होने देता और ड्राई कंडीशन में उसको बिल्कुल खाली नहीं होने देता। लाइक मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आप एक ही टाइम में 10 गिलास पानी के पी लेते हैं, और कभी आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो आप एक गिलास पानी का पीते हैं। अब जब आप 10 गिलास पानी के आपने पी लिए तो वो वाटर जो है वो डायरेक्ट गया हमारे वास्कुलर सिस्टम में, ब्लड के प्लाज्मा में, और फिर वो सेल बॉडी को सप्लाई हो गया। अब इसका मतलब है कि बॉडी के बाहर जो एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें तो वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे का सारा वाटर जो है वो सेल में भी मूव कर जाएगा, क्योंकि दो जगह पे कंट्रोल सिस्टम्स काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। एक कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहा है और उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है सेल की अपनी मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि अगर सराउंडिंग में इंट्रा सेलर
जो फ्लूइड है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं उसमें वाटर अबंडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा सेल के अंदर मूव कर जाएगा, बल्कि वो एक रिक्वायर क्वांटिटी में ही सेल के अंदर जो है वो मूव करेगा जो कि सेल को रिक्वायर्ड। और ऐसे ही अगर एक्स्ट्रा जो सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें पानी की कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल ड्राई हो जाएगा, बल्कि तब भी ये कंट्रोल सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर रहा होगा और इस तरीके से वो नैरो रेंज के अंदर मूवमेंट जो है वो सप्लाई की रहेगी। तो दोनों कंडीशंस में, चाहे वो फ्लडेड कंडीशन है और चाहे वो ड्राई कंडीशन है, सेल हमेशा अपनी एक नॉर्मल रेंज को मेंटेन करता है। और वो क्यों मेंटेन करता है? इस वजह से कि उसमें एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि होम्योस्टेसिस की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये एक ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि उसको कंपेल करती है कि उसके अंदर अडॉप्टेशंस हों, और अगर उसके अंदर अडॉप्टेशंस नहीं होंगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लिहाजा उसकी सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कंट्रीब्यूट करती है इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि जो एवोल्यूशन है उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है। और कंट्रोल सिस्टम जो है वो इस चीज को एक्वायर करने में वेरियस जो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन जो रेगुलेशंस हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब अगर हम कंट्रोल सिस्टम को, लिविंग कंट्रोल सिस्टम को कंपेयर करें विद ए फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, तो हमें पता चलता है कि दोनों का मैकेनिज्म जो है वो सेम है। लिहाजा इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है उसके एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे लिविंग कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। कोई भी कंट्रोल सिस्टम जो है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला रिसेप्टर, जो चेंज को डिटेक्ट करता है, जो स्टिमुलस को फाइंड करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, और फिर वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज सेंड करता है ताकि वो जो मैसेज रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करे। और रिस्पॉन्स कौन शो करेगा? वो फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स को शो करते हैं, यानी कि रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेगा मैसेज को, कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करता है और फैक्टर उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू अमल करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है। जैसे ये आप देखें, ये स्टिमुलस है, ये सेंसर लगा हुआ था, इस सेंसर ने यानी कि रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया, कंट्रोल जो है उसने उसको किया और फैक्टर तक मैसेज गया। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है एसी की, एयर कंडीशनर की, जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, फिजिकल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की एग्जाम्पल देते हैं। आप डेली रूटीन में आप लोग जो हैं वो एसी को घर में यूज करते हैं। आपको पता है एसी में तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, एक उसमें सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर को रीड करता है, दूसरा उसमें कूलिंग मशीन है जो के अकॉर्डिंग टू द थर्मोस्टेट एक्ट करती है और उसके रिजल्ट में कमरा जो है वो कूलिंग होनी शुरू हो जाती है या कूलिंग ऑफ हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेंसर 35 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर शो कर रहा है, इसका मतलब कमरा जो है उसमें वार्म है, लिहाजा इस सेंसर ने थर्मोस्टेट जो है उसको ऑर्डर किया, सिग्नल किया टू कंट्रोल सेंटर के कूलिंग मशीन जो है, कूलिंग यूनिट जो है उसको स्विच ऑन कर दिया जाए। जैसे ही वो स्विच ऑन होगा, कूलिंग सिस्टम, कूलिंग यूनिट जो है वो अपना कूलिंग जो है वो शुरू कर देगा, लिहाजा ये रूम जो है ये कूल डाउन होना शुरू हो गया। अब जैसे ही ये टेम्परेचर सेंसर ने रिसीव किया, कमरा जो है वो ठंडा हो गया और टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड पे पहुंचा, तो यही सेंसर जो है ये वंस अगेन कंट्रोल सेंटर को मैसेज सेंड करता है कि कूलिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो गई है, लिहाजा कूलिंग मशीन जो है उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए, और इस तरीके से एसी जो है वो ट्रिप कर जाता है। बिल्कुल इसी प्लान के ऊपर हमारी बॉडी में भी
कंट्रोल सेंटर जो है वो काम करता है, ये कंट्रोल सेंटर में ह्यूमन है। अब अगर इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मीन सर्दी है तो बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर मैसेज जो है वो सेंड होता है टू द हाइपोथैलेमस ब्रेन को कि वो हीटिंग प्रोसेस जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, शेवरिंग है उसमें, हार्मोन की सिक्रीशन है, लिहाजा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है दूसरी एग्जाम्पल में, तो फिर सेंट्रल जो पॉइंट है हमारा, जो कि कंट्रोल सिस्टम का सेंटर, रिसीविंग सेंटर है जो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन है, वो कूलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है और स्वेटिंग होती है, और अल्टीमेटली स्वेटिंग के रिजल्ट में बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है ह्यूमन के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की। अब ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं ये किस बेस के ऊपर काम करते हैं? दे वर्क ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है ये फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है। फीडबैक क्या होता है कि स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट करते हैं, यानी कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग टू कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर फॉर अफेक्टर्स रिस्पॉन्स, के अफेक्टर जो है उसके रिस्पॉन्स के लिए जो कंट्रोल सेंटर है वो एक्शन करता है स्टिमुलस के अगेंस्ट। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, दोबारा से सुन लें कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, कि सबसे पहले जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट होना है, डिटेक्ट होने के बाद जो कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जहां पे कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट है जो कि उसको रिस्पॉन्स को चेक कर रहा है, वो उसको डिटेक्ट करने के बाद उस सिग्नल पहुंचेगा उसको, और सिग्नल पहुंचने के बाद अफेक्टर्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। अब उसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। बॉडी टेम्परेचर एक्सीड कर गया 37 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया। अब सेंसर्स जो लगे हुए हैं जो कि नर्व सेल्स की सूरत में या ब्लड की सूरत में स्किन और ब्रेन के अंदर, वो इस हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। देन सेंटर इन ब्रेन जो कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इस सिग्नल्स को रिसीव करता है क्योंकि वो कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, और वो स्वेटिंग जो है उसको स्टार्ट कर देता है स्किन के अंदर थ्रू आउट द बॉडी, जिससे स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेटिंग शुरू करते हैं और पसीना आना शुरू होता है, लिहाजा बॉडी जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म, जो उसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी। अब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं ये दो तरह के हैं, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि बॉडी के अंदर फीडबैक दो तरीके से काम करता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। हम नेगेटिव फीडबैक को देखते हैं क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द होमियोस्टेसिस। जितने भी होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म है जो बॉडी को काम कंडीशन में स्टेबल फॉर्म के अंदर स्टेबल रखते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमेशा होते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या कि इनवर्स अफेक्टर्स रिस्पॉन्स फॉर द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द प्रोसेस देयर इज एन इनवर्स अफेक्टर्स रिस्पॉन्स। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमेशा रिवर्स, इनवर्स का मतलब है उल्टा फैक्टर के ऊपर रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर आपको सर्दी लग रही है तो हमारी बॉडी के अंदर जो वार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए जनरली कूलिंग अफेक्टेड रिस्पॉन्स टू वार्म सेंसिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। गर्मी लग रही है तो बॉडी के अंदर जो कूलिंग अफेक्टर्स हैं जैसे स्वेटिंग है वो अफेक्टेड होगी, और अगर जिस्म को सर्दी लग रही है तो बॉडी का जो वार्म सिस्टम है, वार्म अफेक्टर्स हैं जो उसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं,
वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे ये आप देखें, ये होम्योस्टेसिस है नॉर्मली, जो मैंने पहले आपको बताया था, जो कि टेम्परेचर की रेंज है, उस रेंज के बाद अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बॉडी का, तो फिर क्या होगा, ये मसल्स जो है ये शेवरिंग शुरू कर देंगे, ब्लड वेसल्स जो है इनका डायमीटर कम हो जाएगा और बॉडी को एक्सपोज पार्ट्स को ब्लड जो है वो कम हो जाएगा, लिहाजा टेम्परेचर एलिवेट कर देगा। ऐसे ही अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वास्कोडाइलेशन कर देगा, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो ज्यादा हो जाएगा, स्किन को ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, जिससे रेडिएशन रेडिएट करेगा, वार्म हीट जो है, और इसी तरह से स्वेटिंग होगी, और दोनों सूरतों में कूलिंग मैकेनिज्म ऑन होगा और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल है टेम्परेचर, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इसके रिजल्ट में एम्पलीफाइज होता है, यानी कि प्रोसेस जो है वो इनहांस होता है, इंक्रीज होता है, और उस प्रोसेस के रिजल्ट में जो एलिवेशन होती है, यानी कि उसमें इनवर्स ऑर्डर होता था, यानी कि अगर बॉडी को सर्दी लग रही है तो बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म ऑन होगा, और अगर बॉडी को गर्मी लग रही है तो बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑन होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर सर्दी लग रही है तो बॉडी के अंदर जो सर्द कूलिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और इस तरीके से जो कूलिंग है वो एलिवेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी एग्जाम्पल इसकी, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी या अनस्टेबिलिटी ऑफ बॉडी जो है, और ये बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल नहीं करता, नेगेटिव फीडबैक जो है वो नॉर्मल कंडीशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि बॉडी को होम्योस्टेसिस देके। जैसे कि आप देखें, आपको इंजरी होगी, ब्लड फ्लो हो रहा है स्किन से ब्लड, अब क्या होगा, जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहां पे फाइब्रिनोजन आएगा और फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, जितनी तेज ब्लीडिंग हो रही होगी उतने ही फाइब्रिन वहां पे ज्यादा होंगे और प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, लिहाजा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा और इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। ऐसे ही चाइल्ड बर्थ जो है वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, अनस्टेबिलिटी है वो भी, और इसी तरीके से जो रैपिंग ऑफ फ्रूट है कि जितने हार्मोन्स की स्टिमुलेशन होती है और फिर वो और हार्मोन्स की स्टिमुलेशन करते जाते हैं जिससे रैपिंग ऑफ फ्रूट होती है। ऐसे ही नर्व इम्पल्स जो है उसको आप पढ़ेंगे वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इसमें अमूमन जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफाइन होम्योस्टेसिस का क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है बोर्ड में, थर्मो रेगुलेशन का बहुत दफा आया हुआ है, ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो बहुत दफा, और फीडबैक और कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है ये भी क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में आए हुए हैं और इनमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। अभी तक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आ सकता है, इसलिए आपने इसको लाइटली नहीं लेना। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज, मे अल्लाह ब्लेस यू।